अस्सलाम वालेकुम। जवाब में मैं वालेकुम अस्सलाम नहीं कहूंगी। कमर तोड़ कर रख दिए मेरी, कभी माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें। मैंने नहीं, मेरा ख्याल से तो हमारी पहली मुलाकात हुई है खुशकिस्मती से। ये भी बैटिंग तुम कर रहे थे ना? नहीं बिल्कुल नहीं। झूठ बोल रहे हो? अच्छा तो ये बच्चों ने बॉल फेंके, बैट मेरे हाथ में पकड़ा दिया तुम लोगों ने। झूठे हो बहुत बड़े। देखिए मिस अल्लाह रखी किसको बोला है? मारुख नाम है मेरा। मारुख सचता है, जचता है, रखा किसने है ये नाम? थैंक यू। अभी के तो बड़े आराम से खड़े हुए, यहाँ तो कोई झगड़ा ही नहीं हो रहा, लड़ाई नहीं हो रही। बात सुनो बच्चों, शैतानी की है ना तुम लोगों ने। चलो सॉरी बोलो। नहीं चाहिए मुझे किसी की माफी, और तुम सब लोगों का ना मैं क्रिकेट खेलना गली में बंद करवाऊंगी। और तुम इतने बड़े घोड़े हो गए हो, बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे हो, खबरदार मेरे घर के आसपास नजर आए। तमीज। ओ जी क्या बताओ, वो पड़ोस वाला लड़का है ना, कितना प्यारा है। बस यूं समझ लो वो जो फिरोज खान है ना, उसी की कॉपी है। मतलब मेरे नौखेस की तरह गबरू सोना जवान। ओ ना जी ना, नौखेस और गबरू वो तो उनके पैर की जूती के बराबर भी नहीं है। क्या क्या बोल रही हो तुम? मेरे सामने मेरे बेटे की बेइज्जती करने वाली, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे मुसर्रत क्यों जरा जरा सी बात पर भड़के मारने लगती हो? अच्छा हसीना बताओ, वो वाकई बिल्कुल फिरोज खान की तरह लगता है? रहने दे, अब मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। आपने भी किसका नाम लेके मेरा मूड सत्यानाश कर दिया। जो भी शायद तुम भूल रही हो, तुम्हारा भी रिश्ते में कुछ लगता है। तुम्हारी नौकरानी मेरे बेटे की बेइज्जती कर रही है, और वो भी तुम्हारे सामने। उसकी पहले कौन सी इज्जत है, और तुम क्यों इतनी जज्बाती हो रही हो? अल्लाह करे इसी तेजी से चलती चलती घर से निकल जाए, अपने घर पहुंच जाए। अच्छा हाँ बताओ, तुम बताओ यार कमाली, तुम समझते क्यों नहीं हो? छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेते हो। यार दादा ये स्त्री कौन सी सदी में खरीदी थी? कमाली मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। यार वो जिंदगी बड़े आराम से गुजर रही थी, ये जो मेरा भतीजा है ना, उसने अपने बेटे को यहाँ भेज दिया है। उसके नखरे भी तुम्हारी बीवी से कम नहीं है। हाँ हाँ करता हूँ मैं तो। हाँ बोलो। मुझे अपने कपड़े प्रेस करने हैं, स्त्री नहीं है घर पे। ओह माय गॉड, ये जो मेरे घर में मुलाजमा है ना, उसने इस घर की हर चीज को तबाह कर दिया है। पता नहीं किसकी बद्दुआ है उसे, जिस चीज को हाथ लगाती बेड़ा गरक कर देती। आप पड़ोस वाली आंटी से मंगा लेना। पड़ोस से? ऑफ कोर्स। सोचना भी मत बेटा। क्यों? और वैसे भी स्त्री कोई उधार देता नहीं है। मुझे मिल जाएगी, मैं लेके आता हूँ। रोहान रोहान, अरे ये लड़का आंधी तूफान की तरह रुकता ही नहीं कहीं।